हेलो सो वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल। तो आप लोगों को वीडियो काफ़ी सालों बाद वीडियो देखने को मिल रही है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी। सौरभ जोशी ब्लॉग से पहले बात करने से पहले मैं उनके बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा और सभी बताऊंगा वो किस तरीके से यूट्यूब पे आए और किस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया, कितना उन्होंने स्ट्रगल करा। इस वीडियो में आप लोगों को सब बताने वाला हूँ, साथ ही उनकी मंथली इनकम बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग भी मोटिवेट हो और आप भी ब्लॉग चैनल क्रिएट करो या अपने से रिलेटेड कोई भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो टेक्नो गुरु दीपक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं सौरभ जोशी है कौन। तो गाइस सौरभ जोशी हरियाणा के खांसी शहर में रहते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। इनको आर्टिस्ट में आर्ट्स बनाने में ड्राइंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए ये लोग सौरभ जोशी आर्ट्स चैनल इनका था सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से। वो इनके उनके बाद इसके भाई ने साहिल ने बताया था कि साहिल जोशी जिसका भी चैनल है साहिल जोशी ब्लॉग्स के नाम से, जो कि सौरभ जोशी के बाद ही उसने अपना चैनल क्रिएट कर दिया था। साहिल जोशी ने कहा था कि तुमको आर्ट बनाना अच्छा लगता है, इसलिए आप अपना दूसरा एक चैनल खोल लो यूट्यूब पे। उन्होंने चैनल यूट्यूब खोला आर्ट चैनल सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से। उस पर काफ़ी मेहनत करे, 150 वीडियोस क्रिएट करने के बाद उनको थोड़ा सक्सेस मिला। उसी के बाद उन्होंने चालू कर दिया था एक यूट्यूब चैनल ब्लॉग चैनल सौरभ जोशी ब्लॉग्स के नाम से। हाँ तो दोस्तों यूट्यूब चैनल उन्होंने चालू कर दिया था। वो पहले एक कभी कभी वीडियो डालते थे, महीने में हफ्ते में कहीं बाहर जाते थे तो तभी वो अपने YouTube चैनल पर वीडियो डालते थे। तो जब 2020 में जब लॉकडाउन लगा कोरोना संकट के कारण, उन्होंने डेली ब्लॉग्स का आइडिया सोच लिया। उन्होंने कहा घर बैठे बैठे क्या करें इस लॉकडाउन में, तो उन्होंने अपनी लाइफ दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनको सक्सेस मिला, 100 के सब्सक्राइबर, 500 मिलियन, आज उनके चैनल पर 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 7 मिलियन भी जल्दी होने वाले। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है सौरभ जोशी ब्लॉग्स। तो चलिए ये जान लेते हैं इनके फैमिली में कौन कौन है। तो उनके फैमिली में उसके पापा मम्मी साहिल और सौरभ, ये इनकी फैमिली है। पीयूष जोशी को तो सभी जानते होंगे जिनकी वजह से चैनल चल रहा है। पीयूष जोशी उत्तराखंड में रहते हैं। इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया था सौरभ जोशी के पास उत्तराखंड हरियाणा में पढ़ने के लिए। तो सौरभ जोशी के भाई पीयूष वहीं पढ़ते थे और उन्हीं की वजह से चैनल इतना जल्दी ग्रो होता गया। आज उनका चैनल काफ़ी नंबर वन ब्लॉगर वो बन चुके हैं। तो दोस्तों सौरभ जोशी की मंथली इनकम की बात करें तो वो आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा, मैं बता नहीं सकता, स्क्रीन पर शो कर दूंगा। उनकी बर्थ इनकम काफ़ी ज़्यादा नोट ये छापते हैं। इनके चैनल पर मंथली जो व्यूज़ है वो आ जाते हैं 300 से 500 मिलियन व्यूज़ इनके चैनल पर आ जाते हैं। आप लगा सकते हो व्यूज के हिसाब से, जो ब्लॉग चैनल होता है इन पर काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इनके पास गाड़ी इनोवा कार है और इनके पास एक मोटरसाइकिल है, KTM बाइक और उनकी पुरानी बाइक, 2 साइकिल। इनके जो ब्लॉग्स पे है पीयूष की साइकिल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसपे अब 22 मिलियन व्यूज़ पहुंच चुके हैं। इंडिया में अभी तक किसी भी ब्लॉगर्स के इतने से ज़्यादा व्यूज़ नहीं पहुंचे, फ्लाइंग बीस्ट के भी नहीं पहुंचे। सौरभ जोशी फ्लाइंग बीस्ट सर से भी मिल चुके हैं, साथ ही ट्रिगर्ड इंसान से भी मिल चुके हैं जो कि पीयूष का फेवरेट यूट्यूबर है। मैंने आप लोगों को बता दिया सौरभ जोशी की कास्ट के नाम और उनकी लाइफ स्टाइल, उनके परिवार में कौन कौन है, तो ये इतना कुछ ही मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आगे भी आप देखते रहना, अब फ्लाइंग बीस्ट और सौरभ जोशी ब्लॉग्स में दोनों में टक्कर है। फ्लाइंग बीस्ट के भी 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, पर सौरभ